बोर्ड लगा हुआ है सामने, यहाँ से राइट टर्न लेंगे माता भद्रकाली मंदिर भराड़ी के लिए। यहाँ एक छोटी सी दुकान है जहाँ प्रसाद वगैरह मंदिर के लिए मिल जाता है, तो हम लोग यहाँ से केले ले रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए, और हम लोग आए हैं मोटरसाइकिल में। सामने जो बहुत बड़ा गेट बना हुआ है ये है भद्रकाली माता का मंदिर, भराड़ी जगह का नाम है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी हम मंदिर के जो प्रेमिसेस है उसके अंदर एंटर हो गए हैं, और अब मैं आपको लेके जाऊंगी अंदर माता के दर्शन करवाने के लिए। तो आप दर्शन कीजिए माता के, यहाँ काफ़ी सारे लोग भी पहुँचे हुए हैं। फ्रेंड्स, हम आपको लेके आए हैं हमारी कुल देवी भद्रकाली माता के मंदिर में। जैसा कि मैंने अभी आपको दर्शन करवाया, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मानना है बहुत सारे लोगों का जो कि यहाँ पर रेगुलर आते हैं और जिनकी कुल देवी है भद्रकाली माता भराड़ी, और कि अगर आप सच्चे दिल से यहाँ पर कोई भी चीज़ मांगते हैं जो पॉजिटिव है, गलत नहीं, पॉजिटिव है, कि अपनी भलाई के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है, तो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। और जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मुझ पर विपत्ति आई है या कोई इस तरह की मुश्किल की घड़ी है जो मैंने मैया से मांगा था, माता से, तो ज़रूर पूरा हुआ है। और मैंने एक ही इच्छा रखी है, कोई चीज़ नहीं दी ऐसे कि पर्टिकुलर बोलते ये देंगे वो देंगे, मैं सिर्फ इतना मांग के यहाँ माता के मंदिर में पहुँची थी कि मैं नंगे पैर आ करके आपका यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाऊँगी और दर्शन करूँगी। तो मेरी काफ़ी मनोकामनाएँ जो है, इच्छाएँ यहाँ पर हुई है। तो ये साक्षात भद्रकाली माता है जिनका मैं आज आपको दर्शन करवाने के लिए लेके आई हूँ। तो दोस्तों, ये यहाँ का हॉल है जहाँ पर सत्संग वगैरह किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। नवरात्रों में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन आजकल जो कोरोना की वजह से यहाँ पर काफ़ी कम लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग बाहर देखने को मिले हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं दर्शन करने के लिए। जैसा कि मैं अभी बाहर दिखाऊंगी, ये भव्य मंदिर जो है भद्रकाली माता का है, और बाहर एक शिव का मंदिर भी है, छोटा सा शिवलिंग भी है, वहाँ पर भी मैं आपको लेके चलती हूँ दर्शन करवाने के लिए। चलिए, मंदिर में मुझे एक क्यूट सा फ्रेंड मिला है, तो वो आपको बताएगा अपना नाम। नाम बताइए। तेजस राणा। तेजस राणा, कहाँ से आए हो आप? सकरा। सकरा से आए हैं, माथा टेकने के लिए आए हैं या ऐसे पर्टिकुलर किसी और पर्पस को लेकर? यहाँ मेरे भाई का रिलेटेड था ना, हाँ, उसके लिए। अच्छा, कौन सी क्लास में स्टडी करते हो? फिफ्थ। फिफ्थ में, और कौन से स्कूल में? सेंट मेरी। सेंट मेरी में पढ़ते हो आप? बहुत क्यूट हो पता है, और ये आपके चीक्स ना बहुत बोलू बोलू है, पता है आपको? हाँ, क्यूट बोलते हैं सारे, तो मैं भी आपको क्यूट बोल रही हूँ। तो दोस्तों, ये एक मेरा मिस्टर राणा, मास्टर राणा बोलेंगे हम, ये मास्टर राणा है, स्माइल कर दो, स्माइल। तो ये मेरा क्यूट सा फ्रेंड यहाँ पर मंदिर में मुझे मिला।
मंदिर है भद्रकाली माता का, काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जब घर में बेटा होता है और जैसे मुंडन करवाया जाता है तो वो बाल चढ़ाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। तो आज हमारे लिए काफ़ी लकी डे है कि हम माथा टेकने के लिए मंदिर में आए माता के। तो यहाँ पर सकरा नाम की जगह से, जैसे एक मैंने छोटू फ्रेंड से मिलाया आपको, तो वो उनकी फैमिली यहाँ पर आई है मंदिर में, मुंडन करवाया बेटे का, वो बाल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर में आए हैं। तो मैं, वो एक रिवाज है, एक कल्चर है यहाँ, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे ये माता के भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो मैं साथ के साथ ये भी कैप्चर करके आपको दिखाऊंगी किस तरह का रिवाज होता है, क्या क्या इसमें किया जाता है। चाची सासू हैं, उनके बेटे के जड़ोलन है। अच्छा, मतलब मुंडन क्या क्या करते हैं उसमें? वो जैसे शादी की होती है शादी की तरह करते हैं उनको। अच्छा, बाल काटते हैं? बाल काटते हैं, फिर मंदिर में चढ़ाते हैं जातर लाकर। अच्छा, और क्या क्या करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर जैसे शादी में पिछले दिन होता है, तेल डालते हैं। हाँ, और फिर मतलब दूल्हे की तरह, दूल्हे की तरह होता है जैसे मंदिर में, पूरा दूल्हे की तरह उसको मतलब ऐसे ये भी करते हैं, जैसे दूल्हे को पोतते हैं ऐसे, पूरा शादी की तरह होता है, शादी करवाते हैं तरह से, बच्चे की शादी हो जाती है। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अभी बाल चढ़ाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे, घर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे और करेंगे। उसके बाद ये लोग एंजॉय करेंगे, तो दोस्तों आप भी एंजॉय कीजिए मुंडन को यहाँ पर। एक मैंने आपको सरप्राइजिंग जो है मोमेंट यहाँ पर दिखाया। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक गोट है, तो देवी माता रानी को चढ़ाते हैं, लेकिन जो है किसी भी तरह की बलि नहीं दी जाती है, वो सिर्फ माता रानी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ से उसको पालने के लिए लोगों को दे दिया जाता है। ये है भद्रकाली माता का मंदिर और यहाँ के जो प्रमिसेस है वहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। और दोस्तों, कभी अगर आपका मूड बनता है तो आप लोग भी यहाँ पर भराड़ी सुंदर नगर महादेव से थोड़ा सा ऊपर है, आइए भद्रकाली माता के मंदिर में। काफ़ी बड़ा प्रमिसेस है यहाँ पर, आप पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं, होल डे आप यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और आप काफ़ी इंजॉय यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम यहाँ पर छोटे मोटे फंक्शन होते रहते हैं, इवन यहाँ पर शादियाँ भी करवाई जाती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर भराड़ी भद्रकाली माता का मंदिर है। ये काली माता का वो स्वरूप है जो भद्र है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर, भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको शांत वातावरण मिलेगा, आसपास किसी भी तरह का शोर शराबा यहाँ पर नहीं है। और इस मंदिर में काफ़ी बड़ा हॉल भी है जहाँ पर शादियाँ करवाई जाती है, इस तरह के मुंडन फंक्शन होते हैं।
तो यहाँ पर जब भी इस तरह के फंक्शन होते हैं तो उसके लिए बुकिंग करवानी पड़ती है और कुछ चार्जेस हैं जो यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो उसके लिए एक मंदिर कमेटी यहाँ पर बनी हुई है जिन्होंने ये सारा काम यहाँ पर करवाया हुआ है। मंदिर के साथ ही एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ पर प्रधान है जिनसे आप बुकिंग कर सकते हैं और उसके साथ रिसिप्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आने पर, इस मंदिर पे आने पर आपको बहुत ही शांति सुकून महसूस होगा। छोटी सी जगह है भराड़ी, धनोटू से हार्डली 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये मंदिर स्थित है भराड़ी। आप किसी को भी पूछ करके यहाँ पर आ सकते हैं, माता रानी के दर्शन कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपने दिन को एंजॉय कर सकते हैं। देखते रहिए महादेव फैमिली और खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।